तो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज सोमवार के साथ प्रदोष होने से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सुबह अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ को दूध दही शहद जल से स्नान कराया गया। दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरे सोमवार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। वहीं बाबा का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। इसके साथ ही पशुपतिनाथ को 1 क्विंटल खीर और 50 किलो खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। शाम तक करीब 30,000 से अधिक भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। गर्भगृह को चुनर से सजाया जा रहा है। तीसरे और चौथे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर शाही सवारी के रूप में निकलेंगे। शयनकालीन आरती युवा पालकी मंडल के तत्वावधान में सावन के तीसरे सोमवार को शाही पालकी निकाली जाएगी। वहीं प्रातःकालीन आरती मंडल द्वारा चौथे सोमवार को शाही सवारी का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। हम यहाँ गांव के दर्शन करने आए हैं। यहाँ अच्छी व्यवस्था है, हजारों की भीड़ में अच्छे से दर्शन हुए हैं। भगवान पशुपतिनाथ का हमसे आशीर्वाद रहा है और आज रिमझिम बारिश भी हो रही है। उसकी वजह से क्या है कि एक तरह से मान लो कि अपने भगवान का एक आशीर्वाद मिल रहा है बारिश के रूप में, और भगवान की कृपा हमसे सदा बनी रहे। और यहाँ की अच्छी व्यवस्था है, पुलिस द्वारा अच्छे काम किए जा रहे हैं। कहाँ से आए हो? मैं गाँव जीकन से आया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय परमार। आज श्रावण सोमवार के साथ साथ में प्रदोष का बड़ा महत्व होता है। जो सोमवती प्रदोष होने से, सोम प्रदोष होने से इसका बड़ा पर्व का बड़ा महत्व होता है। इसके कारण से आज के दिन भगवान शंकर जी को कन्याओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, जवानी मनुष्यों के द्वारा, भक्तजनों के द्वारा भगवान शंकर जी के ऊपर जल पुष्प बिलपत्र पंचामृत पतुरा चढ़ाने से सब इच्छाएं मनोकामना पूर्ण होती है। कन्याओं का अच्छा वर की प्राप्ति होती है। जवान को सबको व्यापार अच्छा चलता है, व्यवसाय अच्छा चलता है एवं भक्तजन है दीर्घायु होते हैं, शतायु होते हैं। इसलिए आज श्रावण प्रदोष महापर्व होने से काफी दर्शनार्थी पधार रहे हैं और कतारबद्ध होकर के भगवान पशुपतिनाथ जी के जल पुष्प अर्पण करके धर्म लाभ ले रहे हैं। मंदसौर से पंकज दास बैरागी की ये रिपोर्ट। तो ये था आपका अपडेट। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद जय भारत।